गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग बेटा न्यूटन सर ने ये बताया, कोई भी बॉडी अर्थ के चारों ओर अगर है तो अर्थ, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि अर्थ के चारों ओर जो भी बॉडी है उस बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर अट्रैक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि हर एक बॉडी पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाए हो, उस बॉडी का जितना मास होगा, जितना वेट होगा, उसी के इक्वल फोर्स लगाता है और सेंटर की ओर वो उसको अट्रैक्ट करता है। अर्थ के चारों ओर मौजूद बॉडी पर अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को बोला जाता है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। तो याद रहे आपको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किसे बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किसे बोलेंगे, अर्थ के चारों ओर अराउंड द अर्थ जो कोई भी बॉडी होगी उस बॉडी को अट्रैक्ट करता है, किधर अट्रैक्ट करता है, टूवर्ड्स द अर्थ अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के केंद्र की ओर, सेंटर की ओर हर एक बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर, केंद्र की ओर हर एक बॉडी को अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से बॉडी अट्रैक्ट करती है उसे बोला जाता है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। अब बेटा यहां पर आपको एक सिंपल फार्मूला लिखूंगा आपके लिए, एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल एम लेट अस द मास ऑफ अर्थ विच इज द वैल्यू ऑफ 5.96 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, एंड सपोज कर लेते हैं कि जो बॉडी है उस बॉडी का मास 1 किलोग्राम एंड द डिस्टेंस R इक्वल टू 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, एंड G इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो मेरे पास मास ऑफ अर्थ है, हमने एज्यूम कर लिया इस चीज को, लेट कर लिया कि जो बॉडी अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, हमें ये जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं ये जो बॉडी है हमारी एम मास का और ये इसका सेंटर है ओ और रेडियस आर ही है और मास इसका जो है वो अर्थ का एम ही है, या आप एम ही कैपिटल एज्यूम कर सकते हैं। तो कैपिटल एम की वैल्यू इतनी है, जो बॉडी रखी हुई है एम मास की, हम वैसे बोल सकते हैं उसका यूनिट मास है 1 किलोग्राम है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ को हमें ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए यूनिट मास पर जो अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है, यूनिट मास पर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, तो हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं एफ इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू, बेटा हम अप्रोक्सीमेटली इसे हम एज्यूम कर सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 5.96 है ना बेटा, इसको 6 मान सकते हैं, एज्यूम कर लीजिए आप कि ये इतना किलोग्राम है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, एंड स्मॉल एम की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम है, और आर स्क्वायर मीन्स आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ, और ये वैल्यू है 6.37
और 10^6 और होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग दैट इतना न्यूटन। इट मींस अगर किसी बॉडी को हम अर्थ के सरफेस पर रखें तो अर्थ उस बॉडी को सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचता है उस फोर्स का अमाउंट है 9.8 न्यूटन और बॉडी का मास है 1 किलोग्राम। इट मींस अर्थ के सरफेस पर 1 किलोग्राम की बॉडी इतने फोर्स से सेंटर की ओर, या कह सकते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंटर की ओर खींची जाती है। तो मास जितना ज्यादा रहेगा ये फोर्स उतना चेंज होता रहेगा या उतना ज्यादा रहेगा। अभी इसका मास 2 किलोग्राम कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3, 4, 5 जितना से आप चाहें उतने से आप इसमें आप कह सकते हैं कि फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट मास के बॉडी को इस न्यूटन फोर्स से ये अर्थ कह सकते हैं सेंटर की ओर खींच रहा है। एक चीज आपको बता दे बेटा, दो बॉडी है मेरे पास ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन, केवल ऑब्जर्वेशन के लिए ये दो बॉडी है और एक बॉडी को एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ है, दिस इज द अर्थ। एक बॉडी मेरे पास अर्थ का है और एक बॉडी मेरे पास कोई भी है, वो रैंडमली किसी भी पोजिशन पर सेट हो सकती है। अर्थ अपने ऑर्बिट के अलावा कहीं नहीं जा सकती, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है या कॉन्स्टेंट है, ये एक ही प्लेस पर रहेगी यानी कि अपने ऑर्बिटल में। अब एक बॉडी अर्थ हो गई, एक बॉडी ये हो गई, अब अर्थ इस पर इसके मास के इक्विवेलेंट इस पर फोर्स लगाएगी और ये इसको खींचेगी टूवर्ड्स द सेंटर, अपने सेंटर की ओर ये खींचेगी इस पर कुछ अमाउंट फोर्स से। तो आप ये चीज जनरली देख लेते हैं कि अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की ओर खींच लेती है विद सम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ये जानते हैं कि अर्थ ही उस पर कुछ फोर्स लगाती है और उसको अपने सेंटर की ओर खींच लेता। बेटा ये फिजिक्स है और इसके पीछे भी फिजिक्स, एक जो लॉजिक लग रही है फिजिक्स की वो ये है कि अर्थ ही नहीं किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है और अपनी ओर खींच लेती है, वो बॉडी भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना कि अर्थ ने उस पर लगाया है। बट अर्थ का मास इतना ज्यादा है और मास ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्सिया इतना ज्यादा है कि अर्थ स्टेशनरी सिचुएशन में है, अर्थ रुका हुआ है, अर्थ मूव नहीं कर पा रहा है उस बॉडी की ओर। बट बॉडी का मास कम है अर्थ के रिस्पेक्ट में और उसका इनर्सिया भी कम है, इसलिए वो बॉडी अर्थ की ओर चली आ रही है जो फोर्स अर्थ ने उस पर अप्लाई किया है। तो ये बेसिकली फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी में होता है। कि ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अर्थ जिस किसी भी बॉडी के ऊपर जिस जो फोर्स लगाता है और उस फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर लेता है, इस फोर्स को बोला जाता है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। आप फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी को ऐसे भी समझ लीजिए कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी, दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगे बट वन ऑफ देम इज अर्थ और उन दोनों बॉडी में से एक बॉडी अर्थ हो, देन द बॉडी इज अट्रैक्ट टू इच अदर, तो वे बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर दो बॉडी हैं और दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों में से अगर एक अर्थ है तो इस फोर्स को बोला जाता है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। तो बेटे यहां पर फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी यूनिट बॉडी पर एफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन के फोर्स से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि बॉडी का मास यूनिट है और वो उसके सरफेस पर रखा हुआ है। ऐसा भी एक अजम्पशन आप मान सकते हैं बेटा कि रेडियस के रेस्पेक्ट में हम किसी ऐसे हाइट पर ले जाएं कि वो हाइट नेग्लिजिबल हो, तो भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो फोर्स इतना ही होने वाला है फॉर अ यूनिट मास के लिए।
वीडियो को पॉज करके नोट कर ले बेटा। थैंक यू।